नमस्कार, आर एस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम कोल्हापुरी मसाला बनाएंगे। एक बार इसे आप बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें तो भी जब भी मन करे कोल्हापुरी सब्जी या दाल बनाने का तब आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हमने ले लिया है 3 बड़े चम्मच धनिया के बीज, 1 चम्मच जीरा, सौंफ, सफ़ेद तिल, राई, एक छोटा सा दगड़ फूल जिसे हम पत्थर फूल कहते हैं, तेज पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल, एक बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, जावित्री, स्टार फूल का छोटा सा टुकड़ा, मेथी दाना और 1 चम्मच खसखस डालेंगे। इन सबको हम कम आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए वरना हमारे मसाले कड़वे लगेंगे, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा क्रिस्पी होने तक हम इसे भुनेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ग्रेटेड नारियल। आप चाहे तो नारियल बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। और इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद डाल देंगे लाल मिर्च, हमने तीखी और कलर वाली मिर्ची दोनों ली है। इसे भी हम थोड़ा सा इसमें सेक लेंगे। अब मसालों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इसे हमने पीस लिया है, अब ये थोड़ा दरदरा ही है तो इसमें हम कुछ सूखे मसाले और डालेंगे। आधा चम्मच सौंठ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हींग और आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब इन मसालों को एक बार फिर से अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा तैयार है। इसे हम एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे और जब मन करे तब आप कोल्हापुरी सब्जी या दाल बनाते हैं तो इसमें मसाले डालते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।